आज हमारी बहस का यही रहने वाला है कि अगर सरकार पर भरोसा नहीं, अगर संसद पर भरोसा नहीं और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, तो किस पर भरोसा करेंगे किसान। और चर्चा की शुरुआत करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, विजय तालान बीकेयू के प्रवक्ता इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, किसान नेता जगत सिंह चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक चेतन सिंह हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद अली शाह भी आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। मोहम्मद अली शाह, मैं ठीक है मोहम्मद अली शाह के पास जा रही हूं। मोहम्मद अली शाह, ये बताइए कानून कहां बनेंगे, सड़क पर बनेंगे, संसद में बनेंगे, कहां बनेंगे? नहीं, कानून तो संसद में ही बनेंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, ये देश का हर एक नागरिक जानता है। भाई अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी का आप इलाज करें से पहले बीमारी होने ही मत दीजिए। तो मैं इस पूरे मुद्दे को दरअसल असल में एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मानता हूं और कुछ नहीं। देखिए, जब आप सरकार एनईपी ला रही थी तब एक पैनल बिठाया गया, एक कमेटी बिठाई गई, उस टाइम पे लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, कंसल्ट किया गया, तब जाके एनईपी को प्रयोग में लाए। अभी जब किसान कानून लेके आ रहे थे तो बात यह है कि हमारे मेन मुद्दा यह है, हमारे देश के जो किसान नेता है यहाँ बैठे हुए जगत जी, इनको तीन कृषि कानून नहीं मालूम और अपने आप को किसान नेता कहते हैं, और ये लोग हैं जो आके लोगों को भड़काते हैं क्योंकि ये डबल गेम खेलते हैं। और मेन प्रॉब्लम यही है, अगर ये इनको बात करने का तरीका नहीं मालूम कि एंकर से कैसे बात की जाती है, टीवी पैनल में बात कैसे की जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैं जी हिंदुस्तान पे था और ये किसी को भी आतंकवादी कह रहे थे, किसी को भी भड़का रहे थे। अरे मोहम्मद अली शाह, वो किसान आकर रखे, उसको रखने से क्यों मना किया जा रहा है? सवाल तो इस बात को लेकर है। ये देखिए, ऐसे से ये लोग अपना